पिक्चर. लेट्स स्टार्ट विद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स, राइट? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सो बेसिकली बच्चों होगा क्या, रूट के थ्रू, सी दिस इज योर रूट, है ना, रूट के थ्रू चीज़ें एब्जॉर्ब होगी, फिर एसेंट ऑफ सैप क्रिएट होगा, फिर चीज़ें जाएगी आपकी लीफ में, राइट? तो रूट में बेसिकली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एंट्री इनटू द जाइलम, पानी जो है वो जाइलम में चला जाएगा. तो रूट में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, रूट में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाटर एंटर इनटू, वाटर एंटर इनटू जाइलम, एब्जॉर्प्शन ऑफ होगा पानी का एंड पानी एंटर हो जाए किसमें, पानी विल एंटर इनटू जाइलम, वाटर विल एंटर इनटू जाइलम, ठीक है? अब देखो बेटा, जो सॉइल है ना, सॉइल इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन जहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है, कम होता है, ठीक है? देखो हमारा क्या होता है, पहले मिनरल्स जाएंगे और मिनरल्स के पीछे वाटर जाएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट इज ऑलवेज पैसिव, वाटर का मूवमेंट हमेशा क्या होता है, पैसिव होता है. तो समझो आपका सॉइल जो है, सॉइल इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉइल क्या है, सॉइल जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे क्या है, मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इज लो इन सॉइल, मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इज लो इन सॉइल. तो पहले क्या होगा, फर्स्टली क्या होगा, मिनरल एब्जॉर्ब होगा रूट्स में, मिनरल एब्जॉर्ब इन रूट, और उसके बाद क्या होगा, और अच्छा मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होता है, बाय एक्टिव और पैसिव, बट मेनली बाय एक्टिव. मिनरल कैसे एब्जॉर्ब होता है, बाय एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन, बट मेनली बाय, बट मेनली बाय पैसिव, है ना, मेनली वो पैसिव से ही एब्जॉर्ब होगा, मेनली वो, सॉरी, मेनली वो एक्टिव से ही एब्जॉर्ब होगा, मेनली वो एक्टिव से एब्जॉर्ब होगा, एक्टिव मतलब एनर्जी चाहिए, है ना, एटीपी के यूज से ही मिनरल जनरली जाएगा, तो मेनली वो होगा एक्टिव से. इट कैन, मिनरल का एब्जॉर्प्शन जो होता है, इट कैन बी एक्टिव और पैसिव प्रोसेस, बट मेनली इट विल अकर थ्रू एक्टिव, है ना, मेनली इट विल अकर थ्रू एक्टिव, जहाँ पे एनर्जी की नीड आएगी, राइट? उसके बाद क्या होगा, वंस मिनरल इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर विल be followed, है ना, once mineral get absorbed, है ना, water follow mineral, right? So water absorption कैसा होगा, water absorption is a passive process. water absorption क्या है, water absorption जो है ना बच्चों, water absorption जो है, it is a passive प्रोसेस, वाटर एब्जॉर्प्शन इज अ पैसिव प्रोसेस. यू नो वेरी वेल दैट्स अ रूट है, तो रूट में आपके क्या होता है, रूट में आपके चैनल्स और पंप लोकेटेड हैं, है ना, चैनल और पंप लोकेटेड है, तो उसके थ्रू इजीली क्या होता है, आपके जो आयंस है ना, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब इजीली क्या होगा, चले जाएंगे, राइट? अब मूवमेंट कैसे होगा पानी का, चला तो गया, नाउ हाउ मूवमेंट विल अकर, ठीक है? सो लेट्स सी मूवमेंट ऑफ वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन कैसे मूव करेगा. सो एनाटॉमी हम सब ने पढ़ाई है, तो थोड़ा फिर से एनाटॉमी में चलते हैं. जो आउटर लेयर है वो क्या होता है,
एपिडर्मिस, और रूट में हम एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं, है ना, रूट में हम एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज एपिडर्मिस आउटर लेयर और एपिब्लेमा, है ना। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है मेरे पास, रूट हेयर। एपिडर्मिस में कौन प्रेजेंट है भाई, रूट हेयर, है ना। फिर अंदर क्या है, एपिडर्मिस के बाद यू हैव कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स किसका बना हुआ होता है, कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, दिस इज कॉर्टेक्स, क्या है ये, कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा, इनर कॉर्टेक्स, है ना, इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स की सेल को हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। इनर कॉर्टेक्स की सेल को बोला जाता है एंडोडर्मिस, दिस इज बैरल शेप्ड सेल्स, है ना। एंडोडर्मिस में शेप कैसा होता है सेल का, बैरल। एंडोडर्मिस इज बेसिकली इनर कॉर्टेक्स, है ना। एंडोडर्मिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज इनर कॉर्टेक्स। एंडोडर्मिस के अंदर क्या मिलेगा मुझे, पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकल, ठीक है। एंडोडर्मिस के अंदर है पेरिसाइकल, और फिर उसके अंदर मिलेगा मेरे को जाइलम एंड फ्लोएम। रूट में रेडियली अरेंज होते हैं, तो समझो ये आपके फ्लोएम हो गए, ठीक है। दिस इज फ्लोएम और दिस इज जाइलम। सो बेसिकली अब क्या होगा, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से वाटर एब्जॉर्ब होगा एंड फिर वो कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस से वो जाएगा कॉर्टिक्स में। कॉर्टिक्स में क्या पाथवे फॉलो करेगा, इट विल फॉलो एपोप्लास्ट, ठीक है। इस तरह से वो एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए कॉर्टिक्स में जाएगा, है ना। क्या पाथवे फॉलो करेगा वो, एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट फॉलो करेगा। फिर कॉर्टिक्स से जाएगा वो एंडोडर्मिस में, कॉर्टिक्स से जाएगा वो एंडोडर्मिस। इज व्हाट, एंडोडर्मिस इज इनर कॉर्टिक्स। एंडोडर्मिस क्या होता है बच्चों, एंडोडर्मिस इज इनर कॉर्टिक्स, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के साथ क्या प्रॉब्लम है, एंडोडर्मिस में आपके पास डेपोजिशन है, ठीक है। एंडोडर्मिस में आपके पास डेपोजिशन है किसका, सुबेरिन का। एंडोडर्मिस में किसका डेपोजिशन होता है बच्चों, सुबेरिन का डेपोजिशन है। एंडोडर्मिस में क्या है, सुबेरिन का डेपोजिशन है, याद रखना। और ये सुबेरिन की जो डेपोजिशन है, इट फॉर्म कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एंडोडर्मिस में क्या है, आपका डेपोजिशन है ना वॉल में, तो पानी विल गो इनसाइड द सेल जहाँ पे सुबेरिन का डेपोजिशन नहीं होगा। तो एंडोडर्मिस में इट विल फॉलो सिम्प्लास्ट पाथवे। एंडोडर्मिस में क्या फॉलो करेगा वो, सिम्प्लास्ट। फिर वो जाएगा पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल में इट इज़ फ्री टू मूव, उसको जैसा एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट जो करना है, इट इज़ फ्री टू मूव इन पेरिसाइकल। और फिर वो जाएगा जाइलम में, जाइलम में इट विल अगेन फॉलो एपोप्लास्ट पाथवे, और फिर आपका क्रिएट होगा एसेंट ऑफ सैप, मतलब जाइलम के थ्रू इट विल मूव अपवर्ड, ठीक है। सो बेसिकली हम बोलते हैं एंडोडर्मिस में सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो होता है। रीजन क्या है वो भी बताती हूँ मैं आपको अभी, इतना समझ में आया, ओके। एपिडर्मिस से एब्जॉर्ब का वो एकदम ही क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब समझो बेटा, ये आपकी कॉर्टेक्स की सेल्स है, ये सब क्या है आपकी कॉर्टेक्स की सेल्स है, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस है, यहाँ पे आपका एंडोडर्मिस है। अब एंडोडर्मिस में क्या है, आपका सुबेरिन का डेपोजिशन हुआ हुआ है। अब सी, ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, है ना, तो कॉर्टेक्स में हमें पता है वो क्या, पानी क्या फॉलो करेगा, कॉर्टेक्स में वो फॉलो करेगा एपोप्लास्ट पाथवे, कॉर्टेक्स में वो फॉलो करेगा एपोप्लास्ट पाथवे। इन कॉर्टेक्स इट इज गोइंग टू फॉलो एपोप्लास्ट पाथवे। कॉर्टेक्स में क्या फॉलो होगा, कॉर्टेक्स में एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो होगा, राइट। अब उसके बाद रिमेंबर व्हाई एंडोडर्मिस फॉलो दिस थिंग, बिकॉज एंडोडर्मिस पे जो सेल्स है उस पे चैनल्स और पंप है ना। अ
कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, कौन से को नहीं करना है, ये एंडोडर्मिस ही डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करना है, नहीं करना है, वो एंडोडर्मिस ही डिसाइड करेगा। तो जहाँ पे एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, उससे क्या होगा, उससे चीज़ें अंदर जाएगी। ठीक है, वाटर विल मूव एंड फिर वो सेल टू सेल कम्युनिकेट करते हुए जाएगा और ये पहुंच जाएगा किसके पास, यहाँ पे आपका जैसे जो पेरीसाइकल है उसके पास पहुंच जाएगा, फिर पेरीसाइकल से वो जाइलम के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर पेरीसाइकल से वो जाइलम के पास चला जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एंडोडर्मिस सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करता है। ओके, सो बेसिकली बच्चों वी हैव टू काइंड ऑफ पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, वी हैव टू काइंड ऑफ पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। हमारे पास दो तरह के पाथवे हैं, एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। वी हैव टू काइंड ऑफ पाथवे, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। क्लियर, दो तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन एपोप्लास्ट, सो दिस इज योर फॉर एग्जांपल सेल। ठीक है, एंड दिस इज योर, जो मैं बना रही हूँ, दिस इज योर ऑफ कोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसके आउटर क्या मिलेगा आपको, इसके आउटर मिलेगा आपको सेल वॉल। इसके आउटर क्या मिलेगा, इसके आउटर आपको मिलेगा सेल वॉल। सो दिस इज सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, अब एपोप्लास्ट पाथवे होता क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे होता क्या है। तो अगर चीज़ें मूव करें बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, कैसे मूव करें चीज़ें, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन का चीज़ें ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, या फिर मूव कर रही है थ्रू सेल वॉल, इफ इट इज मूविंग विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल, या फिर थ्रू डेड सेल, डेड सेल। ठीक है, अब जैसे आपका वेसल है, वेसल के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, या ऐसे सेल्स है ना उनके बीच के थ्रू मूवमेंट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे एपोप्लास्ट पाथवे, उसको हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट क्या होता है, सेल टू सेल अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज रिफर्ड एज सिम्प्लास्ट। अगर सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो रहा है मतलब इट इन्वॉल्व्स लीविंग स्पेस, क्या इन्वॉल्व करता है, सिम्प्लास्ट इन्वॉल्व करता है लीविंग स्पेस, सिम्प्लास्ट इन्वॉल्व करता है लीविंग स्पेस। ओके, अच्छा, एपोप्लास्ट पाथवे कहाँ होता है, एपोप्लास्ट पाथवे रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है एंड लीव्स में भी होता है। ठीक है, हर जगह होता है, लीव्स में यू नो यू हैव स्पॉन्जी मीजोफिल्स, है ना, तो लीव्स में जो मीजोफिल सेल्स है वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे एपोप्लास्ट पाथवे ही फॉलो होता है। सिम्प्लास्ट कहाँ होता है, सिम्प्लास्ट लाइक थ्रू साइटोप्लाज्म जो चीज़ें हो रही है, थ्रू साइटोप्लाज्म जो चीज़ें जा रही है लिविंग स्पेस कवर करके, ये सिर्फ इट अकर्स ओनली इन ओनली एंडोडर्मिस, ये सिर्फ एंडोडर्मिस में ही होता है। एंडोडर्मिस कहाँ, किसका पार्ट है, रूट का। ठीक है, ये सिर्फ एंडोडर्मिस में ही होता है, रीज़न ये है बिकॉज एंडोडर्मिस कैसा है, बैरल शेप सेल्स होते हैं ना, एंडोडर्मिस के सेल्स ऐसे बैरल शेप होते हैं, यहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशंस होता है। अब जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशंस नहीं है वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे आपके चैनल्स और पंप लोकेटेड हैं, तो किसको एब्जॉर्ब करना है किसको नहीं करना है ये एंडोडर्मिस डिसाइड करेगा। इसलिए सिम्प्लास्ट पाथवे केवल एंडोडर्मिस ऑफ रूट में ही फॉलो होता है। ठीक है, स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो एपोप्लास्ट इज अ फास्ट प्रोसेस, है ना, क्योंकि लेस रेजिस्टेंस है, जबकि आपका सिम्प्लास्ट जो है वो स्लो प्रोसेस है, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड इसका लाइक हम फोर्स करा रहे हैं ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स टू क्रॉस मेम्ब्रेन, हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स टू क्रॉस मेम्ब्रेन। ठीक है,
तो ये आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट, है ना. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट. तो प्लांट को पसंद कौन सा है, है ना. व्हाट प्लांट लाइक, प्लांट का फेवरेट पाथवे क्या है. प्लांट फेवरेट पाथवे इज व्हाट. प्लांट का फेवरेट पाथवे जो है वो एपोप्लास्ट है. प्लांट का फेवरेट पाथवे जो है दैट इज एपोप्लास्ट, क्योंकि वो फास्ट प्रोसेस है. ठीक है, प्लांट का जो फेवरेट है वो एपोप्लास्ट है. ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है क्या. एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है. एनर्जी रिक्वायरमेंट इन एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, बताइए, सोचिए, क्या एनर्जी चाहिए. तो देर इज़ अ बिग नो. नो, एनर्जी नहीं चाहिए, चाहे एपोप्लास्ट हो या सिम्प्लास्ट हो, एनर्जी नहीं चाहिए. अच्छा, यंग रूट में क्या होगा. यंग रूट में बेटा, यंग रूट में मेनली इज एपोप्लास्ट. मेनली इज एपोप्लास्ट, देखो समझाती हूँ. यंग रूट में मेनली क्या होता है, एपोप्लास्ट होता है. सी, जो यंग रूट्स है उनके एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ होता. ठीक है, यंग रूट्स में जो बाद में होता है ना, एकदम यंग रूट्स है उसमें एंडोडर्मिस में सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं हुआ होता. तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो वाटर का मूवमेंट है, जो पाथवे फॉलो करता है, दैट इज एपोप्लास्ट. ठीक है, तो एपोप्लास्ट यंग रूट्स फॉलो करता है क्या, एपोप्लास्ट. ठीक है, तो क्यों एंडोडर्मिस सिम्प्लास्ट शो करता है. वाई एंडोडर्मिस शो सिम्प्लास्ट पाथवे. वाई एंडोडर्मिस शो सिम्प्लास्ट पाथवे, क्या आंसर है. बिकॉज एंडोडर्मिस क्या करता है, इट चेक अमाउंट एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट. बिकॉज इट चेक अमाउंट एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट. इट चेक अमाउंट एंड टाइप ऑफ सॉल्यूट, इसलिए एंडोडर्मिस फॉलो करता है क्या, एंडोडर्मिस फॉलो करता है सिम्प्लास्ट पाथवे. एंडोडर्मिस फॉलो करता है सिम्प्लास्ट पाथवे, राइट. एंडोडर्मिस फॉलो करता है सिम्प्लास्ट पाथवे. क्लियर हो गया. चलो एक बार ये डायग्राम देखो आपका. देखो सिम्प्लास्ट पाथवे कॉर्टेक्स की सेल्स के थ्रू जा रहा है, ऐसे एंडोडर्मिस में गया. एंडोडर्मिस में क्या फॉलो हुआ, एंडोडर्मिस में फॉलो हुआ सिम्प्लास्ट पाथवे, है ना. बाकी तो ये देखो, ये एंडोडर्मिस में फॉलो होगा सिम्प्लास्ट पाथवे. ठीक है, अब देखो ये एपोप्लास्ट पाथवे, है ना. कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है ना. तो ये सब में आपका एपोप्लास्ट पाथवे आएगा. ठीक है, कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ मिलता है, एंडोडर्मिस में. ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे एक आपको दिया है अबाउट माइकोराइजा. माइकोराइजा, तो व्हाट इज माइकोराइजा. माइकोराइजा इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट. रूट्स ऑफ हायर प्लांट, और यहाँ पे आपको फंजाई प्लस पाइनस का एसोसिएशन बताया ही है, है ना. फंजाई प्लस पाइनस, तो यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली फंजाई क्या करेगा, जो फंजाई है वो क्या करेगा, वो मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करेगा. इट विल एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर. फंजाई क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर. किसके लिए, फॉर प्लांट. इट विल एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फॉर प्लांट. फंजाई क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करेगा फॉर प्लांट. दूसरा ये क्या कर सकता है, ये फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर प्लांट को दे देगा, और इन रिटर्न ये क्या करेगा, इट टेक नाइट्रोजन, है ना. ऐसे तो देगा नहीं फ्री फोकट में, है ना. इट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट प्लस शुगर भी लेगा, है ना. तो बेसिकली फंजाई अगर मिनरल और वाटर प्लांट को दे रहा है, तो इन रिटर्न वो प्लांट से नाइट्रोजन एंड शुगर ले भी रहा है ना. इन रिटर्न वो ले भी रहा है. सी,
सम प्लांट्स हैव एडिशनल स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद देम दैट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन. अ माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप प्लस प्लस रिलेशनशिप ऑफ अ फंगस विथ रूट सिस्टम. द फंगल फिलामेंट फॉर्म अ नेटवर्क अराउंड द यंग रूट और दे पेनिट्रेट द रूट सेल. ओके द हाइफे हैव अ वेरी लार्ज सर्फेस एरिया दैट एब्जॉर्ब मिनरल्स आयन एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल फ्रॉम अ मच लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट परहैप्स अ रूट कैनॉट डू. अकेला रूट से नहीं हो सकता तो फंजाई ज़्यादा मात्रा में उसे मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके देगा. द फंगस प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू द रूट. In turn, the root provides sugar and nitrogen-containing compounds to the mycorrhizae. Right? Some plants have. ये बहुत important line है. Some plants have an obligate association with the mycorrhizae. Obligate मतलब obvious मतलब उसके बिना जी ही नहीं पाएंगे. For example, ये NEET में आया हुआ question है. This is very important. आया question है बच्चों ये. Pinus का seed. Pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhizae. Yes, jo pinus ka seed hai, it cannot germinate. Pinus ka seed cannot germinate without the presence of mycorrhizae. Remember this. Pinus ka gymnosperm. Okay, to pinus ka seed jo hai, wo germinate nahi kar sakta without the presence of माइकोराइजा. क्लियर हो गई बात. तो माइकोराइजा क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंजाई का विद दी रूट ऑफ हायर प्लांट. यहाँ पे फंजाई क्या कर रही है बच्चों? फंजाई जो है वो प्लांट को मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके दे रही है. इन रिटर्न वो क्या? शुगर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड ले रही है खुद के सर्वाइवल के लिए. एंड रिमेंबर दिस लाइन, Pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. Okay, thank you.